हेलो एवरीवन। तो अब हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट पार्ट नंबर फोर्थ। इंडियन पॉलिटी चल रही है, एम लक्ष्मीकांत की बुक चैप्टर नंबर 26 देखेंगे, जिसके अंदर हम गवर्नर, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम ये बता देती हूँ मैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हम कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है गवर्नर, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, फिर चीफ मिनिस्टर्स के बारे में, स्टेट काउंसिल मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और ये जो है ना स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये पहले था, ठीक है, अब रिपील कर दिया गया है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे जरूर कि इसमें क्या क्या था, मतलब अब था में चला जाएगा, वॉज वर में, मतलब पास्ट में चला जाएगा, तो ये इसको देखेंगे हम ज़रूर, ठीक है। तो स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट, ये भी हम चेकआउट करेंगे। तो आज जो है हम बात करने जा रहे हैं गवर्नर की, इसमें इंट्रो में देख लेते हैं सबसे पहले। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो इन्वेसाज करता है सेम पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट स्टेट्स के लिए, जैसे कि सेंटर में है वैसे स्टेट में भी सेम ही होगी, ठीक है। एंड दैट इज़ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। एंड जो पार्ट हमारा फोर है, सॉरी सिक्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है गवर्नमेंट इन स्टेट्स, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आर्टिकल नंबर जो है वो 153 से लेके 167, जो कि पार्ट नंबर अगेन सिक्स में है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि स्टेट एग्जीक्यूटिव के साथ डील करता है। उसके बाद स्टेट एग्जीक्यूटिव में अगर हमसे कोई पूछे कि इसमें कौन कौन से जो है कंसिस्ट क्या क्या है, तो इसमें पहला है हमारे पास गवर्नर, दूसरा है चीफ मिनिस्टर, देन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड देन है हमारे पास एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि स्टेट एग्जीक्यूटिव में चार कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। तो पहला गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द हमारे पास एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। उसके बाद ये भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होता है, मतलब प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट होता है सेंटर गवर्नमेंट के अंदर, वैसे गवर्नर के साथ वाइस गवर्नर नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वाइस गवर्नर नहीं होता, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद गवर्नर जो है वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है। जैसे कि प्रेसिडेंट हमारे पास क्या होता है, वो होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है, वैसे ये हमारे पास चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट होता है गवर्नर, ठीक है। जो गवर्नर होता है ना वो एजेंट भी होता है, ये इसको एजेंट भी बोला जाता है, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नर जो है वो उसका सिंगल रोल है या ड्यूल रोल है, तो ड्यूल रोल है, पहला कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट होता है, दूसरा एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको होता है, बोला जाता है। उसके बाद देयर इज अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, मतलब हर एक स्टेट के लिए, हर एक स्टेट के लिए एक गवर्नर होता है, लेकिन फिर जब सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 का आया, उसके अंदर ये बोला गया कि दो या दो से अधिक स्टेट्स का एक गवर्नर हो सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन ये बात भी आप ना भूल जाएं कि एक स्टेट के अंदर दो गवर्नर नहीं बिठाने, ये चीज़ गलत हो जाएगी फिर, ठीक है। दो या दो से अधिक स्टेट्स का एक गवर्नर हो सकता है, ऐसा सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के अंदर लाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन एक स्टेट के अंदर दो गवर्नर नहीं होंगे, ये भी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैं इसको रब कर देती हूँ। अब हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर की। तो गवर्नर जो है वो ना तो, मतलब नाइदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल नोर indirectly elected by the special constituted electoral college as in the case of the president, जैसे president को किया जाता है। तो फिर इसको कौन appoint करता है, ये president के द्वारा appoint किया जाता है by warrant, very important line, under his hand and seal, तो president इसको appoint करता है, and ये nominee होता है किसका, ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। और 1979 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कि जो ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट है ना, वो किसी एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं आता अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है एंड इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द सबऑर्डिनेट
टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया उसने ये प्रोवाइड किया है कि जो डायरेक्ट इलेक्शन होंगे गवर्नर के वो किसके बेसिस पे होंगे, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेसिस पे. बट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑप्ट फॉर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द प्रेजिडेंट. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो ये लिखा गया है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से ही इसका मतलब सिलेक्शन होगा, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में इसको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है बाय द वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील. ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है. बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, वो फॉलोइंग रीजंस आपको पता होनी चाहिए. एक एक करके देख लेते हैं कि जो डायरेक्ट इलेक्शन अगर मान लीजिए करवा लिए हमने गवर्नर के, वो इनकम्पैटिबल होंगे विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम एस्टेब्लिश इन द स्टेट्स. दूसरी बात कि जो मोड ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन अगर होंगे वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं किस किस के बीच में, गवर्नर के बीच में एंड द चीफ मिनिस्टर के बीच में, इसलिए भी इसके डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करवाए जाते. तीसरा आता है कि जो गवर्नर है बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड, ठीक है, देयर इज नो पॉइंट कि उनके लिए जो है अरेंजमेंट करवाए जाएं ताकि इलेक्शन करवाए जा सके, और अमाउंट भी ह्यूज अमाउंट जो है वो खर्च करना पड़ेगा गवर्नर की इलेक्शंस के लिए. तो ये भी एक रीज़न है. नेक्स्ट है जो इलेक्शन होते हैं गवर्नर के, अगर वो ऐसे ही करवाए जाएं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे, तो कुछ पर्सनल इश्यूज भी सामने आ सकते हैं, ठीक है, इसलिए भी ये नहीं करवाए जा सकते. एंड इट इज़ नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट. अगर पर्सनल इश्यूज सामने आ गए तो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होगा. एंड लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स जो है इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं इन इलेक्शंस के अंदर. फिफ्थ हमारे पास ये आ जाता है कि जो इलेक्टेड गवर्नर होता है वुड नेचुरली बिलोंग टू अ पार्टी एंड वुड नॉट बी अ न्यूट्रल पर्सन और एन इम्पार्शियल हेड. तो फिर वो ये शे भी नहीं रहेगा, मतलब इम्पार्शियल नहीं रहेगा, ठीक है, पार्शियलिटी वगैरह हो सकती है अगर वैसे चुन के लाया जाए, तो इम्पार्शियलिटी वाला भी एक कॉन्सेप्ट सामने आता है. सिक्स्थ पॉइंट ये है कि जो इलेक्शन ऑफ गवर्नर वुड क्रिएट द सेपरेट टेंडेंसीज दैट इफेक्ट द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड द यूनिटी ऑफ द कंट्री. अब जैसे चुना जाता है ना तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आता है एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री के लिए अच्छा है. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो सिस्टम ऑफ प्रेजिडेंशियल नॉमिनेशन है अनेबल द सेंटर टू मेंटेन इट्स कंट्रोल ओवर द स्टेट. तो ये जो प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन सिस्टम है वो अनेबल कर देता है सेंटर को कि वो मेंटेन करके रखे कंट्रोल सभी स्टेट्स के ऊपर. नेक्स्ट हमारे पास एट आता है कि जो डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ गवर्नर जो है वो सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं लीडरशिप के नाम पे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द जनरल इलेक्शन इन द स्टेट की लीडरशिप किसकी होगी, ठीक है. नाइन्थ पॉइंट हमारे पास आता है कि जो चीफ मिनिस्टर होता है वुड लाइक हिज नॉमिनी टू कंटेक्ट फॉर गवर्नरशिप. मतलब चीफ मिनिस्टर अपना बंदा भी खड़ा कर सकता है कि इसको गवर्नर बनाओ, ठीक है. तो हैंस अ सेकेंड रेट मैन ऑफ द रूलिंग पार्टी इज इलेक्टेड एज द गवर्नर. तो अगर हम अमेरिकन मॉडल की बात करें वेयर द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज डायरेक्टली इलेक्टेड वॉज ड्रॉप्टेड, एंड द कनेडियन मॉडल जो कि हमने अपना रखा है जहाँ पे गवर्नर ऑफ द प्रोविंस जो है वो गवर्नर जनरल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है वॉज एक्सेप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो गवर्नर वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या हमने अमेरिकन मॉडल वाला लिया है या कनेडियन मॉडल वाला. तो अमेरिकन वाला नहीं लिया हमने, कनेडियन मॉडल को फॉलो किया है. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसकी जो क्वालिफिकेशन है गवर्नर की वो क्या बताई हुई है, तो दो हैं इसको अपॉइंट करने के लिए. पहला कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है. दूसरा कि इसकी जो एज है वो 35 ईयर जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, उसी को ही सिलेक्ट करना है एज द गवर्नर. लेकिन टू कन्वेंशंस भी हैं जो कि डिवेल्प हुई ओवर द ईयर्स, ठीक है. पहला ये कि वो आउटसाइडर ऑफ द स्टेट होना चाहिए, ठीक है, आउटसाइडर ऑफ द स्टेट. एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मान लीजिए ये हरियाणा स्टेट है, ठीक है, और अगर इसका कोई गवर्नर बनाना है तो वो दूसरी स्टेट का होगा, हरियाणा का बंदा नहीं होगा वो. पहली बात ये, दैट इज़ ही शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज़ अपॉइंटेड, सो दैट कि फ्री जो है वो मतलब पार्शियलिटी वगैरह ना हो, फ्रीली वो अपना डिसीज़न ले सके. दूसरा ये कि जो अपॉइंट करेगा, वाइल अपॉइंटिंग द गवर्नर जो प्रेसिडेंट है उसको रिक्वायर है, ये रिक्वायर्ड करना होगा कि वो कंसर्न करें, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो कंसर्न करें किसके साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ ऑफ द स्टेट, कि
ताकि मतलब ये जिस बंदे को चुन रहे हैं वो एक सही बंदा चुन के सामने आ सके, क्योंकि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ने इसको सिलेक्ट कर लिया इसके बिना पूछे, सीएम के बिना पूछे, और सीएम को वो बंदा मतलब नहीं पसंद, ठीक है, या फिर वो उसको लग रहा है कि ये तो अपनी मनमानी करेगा, तो स्मूथली जो है वो चीज़ें नहीं चल पाएंगी। इसीलिए ना सीएम की कंसल्टेशन के साथ ही प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करेगा, ताकि जो स्मूथ फंक्शनरी है ना कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी की स्टेट के अंदर वो चलाई जा सके। तो ये दो कन्वेंशन है। हाउएवर बोथ द कन्वेंशन हैव बीन वायलेटेड इन सम ऑफ द केसेस, लेकिन कभी कभी टाइम पे ये दोनों जो चीज़ें हैं कन्वेंशन जो है वो कभी कभी इनको फॉलो नहीं भी किया जा सकता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको ये देखने को मिलेगा कि आउटसाइडर ऑफ द स्टेट ही गवर्नर्स जो हैं वो होते हैं किसी स्टेट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कंडीशन ऑफ द गवर्नर ऑफिस, तो इसको देख लेते हैं। तो कुछ कंडीशंस जो हैं वो स्पेसिफाई की गई हैं। पहला हम देख लेते हैं, ही शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का मेंबर वो नहीं होना चाहिए, और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर भी आप बोल सकते हैं। एंड इफ एनी पर्सन जो कि अपॉइंट हो जाता है गवर्नर एज अ गवर्नर, तो उसको जो अगर वो मेंबर है किसी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो उसको वो जो सीट है ना वो वेकेट करनी पड़ेगी, खाली करनी पड़ेगी, ठीक है, ऑन द डेट ऑन विच ही एंटर अपॉन द ऑफिस एज द गवर्नर, जब से वो उसने गवर्नर की सीट को जो है वो ज्वाइन किया है। पहली बात ये। दूसरा पॉइंट कि ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कोई भी दूसरी जगह पे वो काम ना कर रहा हो, कोई गवर्नमेंट की सैलरी वगैरह दूसरी जगह से ना ले रहा हो। तीसरा पॉइंट ये कि ही इज एंटाइटल विदाउट पेमेंट ऑफ द रेंट टू यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेजिडेंस, जो कि राजभवन है, ठीक है, उसको कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे वो रह सकते हैं। फोर्थ है कि ही इज एंटाइटल टू सच एमोल्यूमेंट अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस जो कि पार्लियामेंट जो है वो प्रिस्क्राइब करता है, वो उसको मिलनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है सेम पर्सन जो है वो अपॉइंट होगा एज द गवर्नर ऑफ द टू और मोर स्टेट, द एमोल्यूमेंट्स जो होंगे उसके पेएबल टू हिम आर शेयर्ड बाय द स्टेट, मतलब जो भी जिसके भी मान लीजिए दो स्टेट हैं उसका एक गवर्नर है, ठीक है, तो दोनों स्टेट उसके जो एमोल्यूमेंट सैलरी वगैरह जो भी होंगे वो दोनों स्टेट्स जो हैं वो मिलके इसको देंगे। एंड ये प्रिस्क्राइब कौन करेगा, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा इसको कि कितना प्रोपोर्शन ये वाली स्टेट देगा और कितना प्रोपोर्शन ये वाली स्टेट देगा, ये डिटरमाइन कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि जो इमोन्यूमेंट अलाउंसेस होंगे कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, जब तक वो है तब तक इनके अलाउंसेस इमोन्यूमेंट्स को डिमिनिश्ड नहीं करना होगा। तो 2008 के अंदर पार्लियामेंट ने जो इनकी सैलरी है गवर्नर की वो इंक्रीज कर दी, 2008 के अंदर इनकी सैलरी जो है वो इंक्रीज कर दी, 36,000 पहले हुआ करती थी, फिर उसको 1.16 लाख पर मंथ जो है वो बना दिया गया। ये जो है वो जैसे कि पे कमीशन्स होते हैं, जैसे सिक्स्थ पे कमीशन हो गया, सेवन्थ पे कमीशन हो गया, ये चलते रहते हैं, उसी के हिसाब से इनकी जो सैलरी है वो भी इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ, अभी कंडीशंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि प्रेजिडेंट जो है लाइक द प्रेजिडेंट जो गवर्नर है उसको भी नंबर ऑफ प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज दी गई हैं, जैसे कि ये इंजॉय कर सकता है पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम द लीगल लाइबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट, एंड इसके ऑफिस के टाइम पे ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस ये इम्यून होगा किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को लेके, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती, इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन, इसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ना ही इनको जो है वो इम्प्रिजन किया जा सकता है। आफ्टर गिविंग 2 months नोटिस, मतलब अगर करना है 2 months नोटिस देना होगा, ये किसके केस में होगा, सिविल प्रोसीडिंग्स के केस में, अगर सिविल प्रोसीडिंग इनके ऊपर चलानी है गवर्नर के ऊपर, फिर भी इनको 2 months का प्रायर नोटिस जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो इनके पर्सनल एक्ट हो या फिर दूसरे हो उनके लिए भी, ठीक है, 2 months का प्रायर नोटिस जरूरी है सिविल प्रोसीडिंग के केस में। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग जब तक वो ऑफिस में है इनके ऊपर नहीं लगाई जा सकती, ना अरेस्ट किया जा सकता है ना इम्प्रिजन किया जा सकता है। बिफोर एंट्री अपॉन हिज ऑफिस तो जो गवर्नर है वो मेक करेगा एंड प्रिस्क्राइब करेगा, ओथ लेगा, ठीक है, अफर्मेशन लेगा, ठीक है, इन हिज ओथ ही स्पीयर्स, वो क्या मतलब कसम लेगा, वो ये है कि ये फुलफिल करेगा अपनी एग्जीक्यूटिव
उसको ऑफिस को, दूसरा है कि ये प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, डिफेंड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को एंड लॉ जो भी बनाए जाएंगे, तीसरा है कि ये डिवोट करेगा अपने आप को अपनी सर्विस के लिए एंड लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट के लिए. जो ओथ होगी ऑफिस की, टू द गवर्नर इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन इसको ओथ दिलाता है गवर्नर को. तो जो हाई कोर्ट होगा स्टेट का, उसका जो चीफ जस्टिस होगा वो इनको ओथ दिलवाएगा. अगर मान लीजिए ये चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट का उस दिन एब्सेंट है, तो फिर जो सीनियर मोस्ट जज होगा वहाँ पे जो अवेलेबल होगा, तो वो इनको ओथ दिलवाएगा. एवरी पर्सन डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर आल्सो अंडरटेक्स द सिमिलर ओथ और एफर्मेशन. तो ये हमारे पास कंडीशंस आ गई किसकी, गवर्नर ऑफिस की. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टर्म ऑफ द गवर्नर ऑफिस कौन कौन सी है. तो यहाँ पे हम टर्म्स की बात कर लेते हैं. तो जो गवर्नर है वो अपनी जो टर्म है वो कितने इयर्स की इसकी होती है, 5 साल की होती है जब से ये एंटर करता है अपने ऑफिस के अंदर. और ये जो 5 साल होते हैं ये सब्जेक्ट टू किसके होते हैं, जब तक प्रेसिडेंट की खुशी होगी, इज़ टू सब्जेक्ट टू द प्रेजर ऑफ द प्रेजिडेंट. और ये रिज़ाइन भी कर सकता है, ठीक है, किसी भी टाइम पे रेजिग्नेशन लेटर जो है वो किसको दे सकता है, प्रेजिडेंट को दे सकता है. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो प्रेजर ऑफ प्रेजिडेंट है ये नॉन जस्टिशियेबल है, एंड जो गवर्नर है हैज़ नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड नो फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस, ही मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेजिडेंट एट एनी टाइम. मतलब किसी भी टाइम इसको हटाया जा सकता है प्रेजिडेंट के द्वारा. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है डज नॉट ले डाउन एनी ग्राउंड अपॉन विच द गवर्नर को जो है हटाया जाए. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि किन ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो गवर्नर को हटाया जाए, ठीक है. लेकिन नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो कि हेड की गई थी 1989 के अंदर वीपी सिंह गवर्नमेंट के द्वारा, इन्होंने कुछ क्वेश्चन किए, आस्क द गवर्नर टू रिज़ाइन एज दे वर अपॉइंटेड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट. क्योंकि वो ये बीजेपी की थी, नहीं सॉरी, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी, ठीक है. तो और कुछ गवर्नर्स जो थे वो कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा मतलब लगाए गए थे. तो फिर इन्होंने मतलब वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने क्या कहा उन गवर्नर्स को कि आप हटो यहाँ से, ठीक है, रिज़ाइन दो. इवेंचुअली सम ऑफ द गवर्नर वर रिप्लेस्ड एंड सम वर अलाउड टू कंटिन्यू. जो कुछ को तो कंटिन्यू काम करने दिया गया, कुछ को हटा दिया गया. द सेम थिंग वॉज रिपीटेड 1991 के अंदर वेन द कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई. किसकी गवर्नमेंट, वीपी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट. एंड तब जो थे दूसरी गवर्नमेंट के द्वारा जो है गवर्नर्स अपॉइंट किए गए थे, तब कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी यही किया कि उनको हटा दिया गया जो कि अपॉइंट किए गए थे वीपी सिंह एंड द चंद्रशेखर गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है. तो जो प्रेसिडेंट में ट्रांसफर अ गवर्नर अपॉइंटेड टू वन स्टेट टू द अनदर स्टेट फॉर द रेस्ट ऑफ द टर्म, फर्दर द गवर्नर हुज टर्म हैज़ एक्सपायर मे बी रीअपॉइंटेड इन द सेम स्टेट और द एनी अदर स्टेट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या अगर इसकी एक टर्म कंप्लीट हो जाती है क्या ये रीअपॉइंट हो सकता है? तो बिल्कुल हो किया जा सकता है. अगर इसकी एक्सपायर हो गई है टर्म तो इसको रीअपॉइंट किया जा सकता है सेम स्टेट के लिए और कुछ अदर स्टेट्स के लिए. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है. तो जो गवर्नर है वो होल्ड करता है ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 ईयर अनटिल हिज सक्सेसर रिज्यूम चार्ज. मान लीजिए एक गवर्नर है, ठीक है, इसकी 5 साल कंप्लीट हो गए लेकिन अगले गवर्नर को अपॉइंट नहीं किया गया, तो ये कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है, कंटिन्यू कर सकता है जब तक अगला गवर्नर नहीं आ जाता. एंड देयर कैन नॉट बी अ इंटीग्रम, ठीक है. उसके बाद प्रेजिडेंट जो है वो प्रोविजन बना सकता है जो भी उसको अच्छा लगे, थिंग्स फिट फॉर द डिस्चार्ज फंक्शन ऑफ द गवर्नर की कैसे इसको काम करना चाहिए. इन एनी कंटीजेंसी नॉट प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल द डेथ ऑफ द सिटिंग गवर्नर. मान लीजिए अगर किसी की डेथ हो जाती है तो प्रेजिडेंट ही क्या करना चाहिए, वही नॉर्म्स वगैरह क्रिएट करेगा. तो द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट हाईकोर्ट मे अपॉइंट टेम्पररी टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट. तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है तो फिर कौन गवर्नर का रोल प्ले करेगा उस टाइम पे? तो जो चीफ जस्टिस होगा हाईकोर्ट का वो टेम्परेरीली वही सारे फंक्शंस को निभाएगा जो गवर्नर के होते हैं स्टेट के अंदर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट, ठीक है. उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर. तो यहाँ पे पहुँच गए. तो जो पावर्स हैं इसकी कौन कौन सी होती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियर, ठीक है, ये सारी जो हैं होती हैं. एंड इसके पास कोई डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड एमरजेंसी पावर नहीं होती. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डिप्लोमेट
एग्जीक्यूटिव पावर, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर है, ये सिर्फ किसकी है, ये प्रेसिडेंट की है, और बाकी ये जो चार है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, ये गवर्नर के पास होती हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे चल के यही वाली जो है अलग अलग करके एक 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 डिस्कस करेंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव पावर की। तो एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शन जो गवर्नर के होते हैं, पहला ये है कि जो एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं गवर्नमेंट के ऑफ द स्टेट आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम, मतलब गवर्नर के नाम पे जो है वो एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो है वो लिए जाते हैं। दूसरा है ये रूल्स बना सकते हैं किसी भी मैनर में इन विच द ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूटिव इन हिज नेम शैल बी ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, तीसरा है कि ये रूल्स बना सकते हैं जो भी इनको कन्वीनियंट लगे ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस के लिए ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड एलोकेशन करने के लिए अमंग द मिनिस्टर्स ऑफ द सेट बिजनेस। नेक्स्ट है कि ये अपॉइंट कर सकता है चीफ मिनिस्टर को एंड अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं ये। ठीक है, एंड दे ऑल्सो होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर, एंड ये जो है ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स भी होने चाहिए। ठीक है, किन स्टेट्स के अंदर, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तो ये जो है मिनिस्टर ये कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर ही अपॉइंट करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है ये अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को। ठीक है, एंड उनके कितनी सैलरी रेमोनरेशन कितनी होगी यही डिटरमाइन करते हैं, एंड एडवोकेट करते हैं ये कि उनकी जो टर्म है वो कितनी होनी चाहिए, मतलब वो भी गवर्नर की प्रेजेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये अपॉइंट करते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, जो कि फिर ये डिटरमाइन भी करते हैं कि क्या कंडीशन सर्विस होनी चाहिए, टेन्योर कितना होना चाहिए इनका। तो जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे ही इन्होंने लगाए हैं वैसे ही रिमूव कर सकते हैं सेम ग्राउंड्स पे, जैसे कि जज ऑफ द हाई कोर्ट को किया जाता है। सेवंथ पॉइंट ये है कि ये अपॉइंट करते हैं चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को, एंड रिमूव भी कर, ये जो है रिमूव गवर्नर के द्वारा नहीं किए जाते, ये सिर्फ रिमूव किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा। अपॉइंट तो भले ही ये करता हो, गवर्नर करता हो इनको चेयरमैन एंड मेंबर को, लेकिन जो रिमूवल है वो सिर्फ प्रेसिडेंट ही करेगा इस केस के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज़। तो उसके बाद हमारे पास एट पॉइंट आता है कि ये जो है कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जो भी एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स से रिलेटेड होती है ये उसको ले सकता है। ठीक है, फ्रॉम द CM चीफ मिनिस्टर से। ठीक है, उसके बाद नाइन्थ है कि ये चीफ मिनिस्टर ही कैन रिक्वायर द चीफ मिनिस्टर टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ एनी डिसीजन, अगर कोई लिया है तो उसको रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवानी होती है, बट विच हैज़ नॉट बी कंसिडर बाय द काउंसिल, तो वो नहीं करवानी होती। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास टेंथ आता है, ये रिकमेंड करता है कि इम्पोजिशन करना है किसी एमरजेंसी को। ठीक है, तो वो भी ये बताते हैं स्टेट के अंदर एमरजेंसी लगानी है, तो ये किसको बताता है, ये गवर्नर प्रेसिडेंट को बताता है कि एमरजेंसी लगानी है हमने। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, तो गवर्नर इंजॉय द एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर एज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि अब प्रेसिडेंट रूल लग गया तो इसकी जो पावर है वो बढ़ जाती है और ये एजेंट की तरह काम करता है प्रेसिडेंट की, कौन, गवर्नर। ठीक है, इलेवेंथ पॉइंट है कि ये एक्ट करता है एज द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट, तो ये अपॉइंट भी करता है वाइस चांसलर्स को ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट। तो ये सारी इसकी गवर्नर की क्या हो गई, एग्जीक्यूटिव पावर्स होगी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर्स। नेक्स्ट जो है वो अभी हम पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे लेजिस्लेटिव पावर्स की, गवर्नर का जो चैप्टर हम देख रहे हैं इसमें हम लेजिस्लेटिव पावर की बात कर लेते हैं। तो जो गवर्नर होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है स्टेट लेजिस्लेचर का, एंड इसके जो फंक्शंस हैं वो देख लेते हैं, पावर्स एंड फंक्शन। तो पहला ये है कि ये समन कर सकता है और प्रोरोग कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर को, एंड डिसॉल्व कर सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, मतलब बुलाना भी इसका काम हो सकता है एंड डिसॉल्व करना भी इसका काम है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। सेकेंड है ये एड्रेस कर सकता है, ही कैन एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेटिव एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट जो सेशन होगा ना उसका, आफ्टर द ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। ठीक है, जैसे ही मतलब कि कोई सेशन जो है वो स्टार्ट जनरल इलेक्शन हुए मान लो, ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट सेशन होगा ना तब से उसको ये एड्रेस कर सकता है, और हर एक जो ईयर होगा मतलब ईच ईयर के जो फर्स्ट सेशन को जो है
ये एड्रेस कर सकता है। उसका थर्ड है, ये जो है मैसेजेस को सेंड करेगा, ठीक है, मैसेजेस को सेंड करेगा कहाँ, हाउसेस को, ठीक है, हाउस को या फिर हाउसेस को ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव। अगर दो हाउस है तो, अगर स्टेट के अंदर दो हाउस है तो दोनों को करेगा, अगर एक है तो उसको करेगा, विद रिस्पेक्ट टू द बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव और द अदरवाइज। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, ये अपॉइंट कर सकता है किसी भी मेंबर को ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग एंड व्हेन द ऑफिसेज ऑफ बोथ द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर फॉल वेकेंट। तो अगर स्पीकर की और डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो वेकेंट है तो फिर गवर्नर जो है वो अपॉइंट कर सकता है किसी भी मेंबर को ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सिमिलरली उसके बाद ये अपॉइंट कर सकता है किसी भी मेंबर को ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल टू प्रिसाइड ओवर द प्रोसीडिंग व्हेन द जो ऑफिसेज ऑफ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो है वो भी वेकेंट हो, तो भी मतलब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के केस में भी और चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर डिप्टी चेयरमैन के केस में भी अगर ये सीट्स जो है वेकेंट है तो ये अपॉइंट कर सकता है, गवर्नर जो अपॉइंट कर सकता है किसी भी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव को, ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास कि ये नॉमिनेट कर सकता है 1/6 पॉइंट ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको कि स्पेशल नॉलेज होगी किस मतलब कि किस सब्जेक्ट में या फिर स्पेशल नॉलेज किस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस में, तो लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस। अच्छा, कई बार ना बच्चे ये चीज़ ना छोड़ देते हैं कि ये तो हमें नॉर्मली पता ही होती है लिटरेचर साइंस, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, लर्न करना है इस चीज़ को कि कौन कौन सी फील्ड के अंदर ये होता है। तो पहला है लिटरेचर, फिर साइंस, आर्ट्स, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस, पांच ये सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर अगर किसी को स्पेशल नॉलेज है तो 1/6 मेंबर जो है वो ये गवर्नर जो है वो उसको अपॉइंट कर सकता है। सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास है कि ये नॉमिनेट कर सकता है वन मेंबर को, ये नॉमिनेट कर सकता है वन मेंबर को ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। लेकिन अभी जो है ये इसमें अमेंडमेंट कर दी गई है, एंग्लो इंडियन वाले में जो है नॉमिनेशन इसको रिमूव कर दिया गया है। तो अगर अपडेटेड वर्जन की बात करें, न्यू अमेंडमेंट्स की बात करें, तो ये जो है वो रिमूव हो चुका है। लेकिन आप फिर भी ध्यान रखिएगा कि पहले जो है इनको एक मेंबर को सिलेक्ट करने की, नॉमिनेट करने की पावर थी फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसमें अमेंडमेंट करके इसको रिमूव क्यों किया गया। ठीक है, अगर आप अपडेटेड होंगे तो आप मुझे इसका ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें ही देख लेते हैं। सेवन्थ पॉइंट है, ये डिसाइड कर सकता है मतलब अपना डिसीजन दे सकता है ऑन द क्वेश्चन ऑफ द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, किसके साथ कंसर्न करके, इलेक्शन कमीशन के साथ कंसर्न करके। एट पॉइंट है कि व्हेन अ बिल इज सेंड टू द गवर्नर आफ्टर इट इज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव, तो ये अपना पहली बात की असेंट दे सकता है टू द बिल, दूसरा कि ये विदहोल्ड अपने पास रख सकता है उस बिल को, ठीक है, विदहोल्ड द हिज असेंट टू द बिल, तीसरा है रिटर्न कर सकता है बिल को, ठीक है, मनी बिल नहीं होना चाहिए वो, अगर मनी बिल है फिर नहीं वो रिटर्न कर सकता, दूसरे वो रिटर्न कर सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव। उसके बाद इफ़ द बिल इज़ पास्ड अगेन बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव विद और विदाउट द अमेंडमेंट, फिर गवर्नर को जो है उसके ऊपर असेंट देना कंपलसरी हो जाएगा, मतलब एक ही बारी वो रिटर्न कर सकता है, मनी बिल नहीं होना चाहिए बस वो, अगर मनी बिल नहीं है तो वो इसको रिटर्न कर सकता है। अगर वो रिटर्न करने के बाद भी अगर उसमें अमेंडमेंट की है या नहीं की तो कोई बात नहीं, लेकिन सेकंड टाइम जब वो गवर्नर के पास आएगा तो उसको असेंट देना उसके ऊपर जरूरी है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, ये रिजर्व कर सकता है बिल को, ठीक है, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, रिजर्व किसके लिए कर सकता है, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। अगर कोई केस ऐसा बन जाता है जिसमें ये रिजर्व करना ज़रूरी होगा, ऑब्लिगेटरी होगा, दैट इज़ वेयर द बिल इज़ पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव एंड डेंजर्स द पोजीशन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, उस टाइम पे ये रिजर्व किया जा सकता है। इसके अलावा इसके एडिशन के अंदर गवर्नर जो है बिल को रिजर्व कब कर सकता है उसके भी पांच पॉइंट है, वो भी आप देख लीजिए। पहला, अल्ट्रा वायरस दैट इज़ अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ सही नहीं है इसलिए रिजर्व करके रख सकता है गवर्नर उसको बिल को। सेकंड है, अपोज द DPSP, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अगर अपोज में है वो बिल तो भी ये रिजर्व कर सकता है। तीसरा है, अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, ठीक है, कंट्री के
लार्ज इंटरेस्ट में अगर वो चीज़ ना हो तो भी रिजर्व कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है ऑफ ग्रेव नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है, नेशनल इम्पोर्टेंस के इंटरेस्ट में नहीं है इसलिए भी। एंड फिफ्थ पॉइंट है डीलिंग विद द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर द आर्टिकल 31A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 5 के 5 पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। ये पूछ लिया जाता है कि गवर्नर जो है बिल को रिजर्व कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर रख सकता है, तो ये 5 पॉइंट आपको लर्न होने चाहिए। अभी 9th पॉइंट पे चलते हैं, ये लेजिस्लेटिव पावर चल रही है इसकी। इसके बाद ये प्रोमोगेट कर सकता है ऑर्डिनेंसेस को, मतलब ये ऑर्डिनेंस को ला सकता है जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो सेशन के अंदर नहीं है। एंड ये जो ऑर्डिनेंसेस होंगे ये 6 वीक्स के लिए ही जो है रहेंगे, अप्रूव कर सकते हैं 6 वीक्स के लिए ही, ठीक है। उसके बाद इसको विड्रॉ करना ज़रूरी होता है, ठीक है। विड्रॉ किसी भी टाइम, एनी टाइम इसको विड्रॉ किया जा सकता है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। अगर आपसे पूछा जाए कि लेजिस्लेटिव पावर जो इम्पोर्टेंट वाली है गवर्नर की वो बताइए, तो आपको ऑर्डिनेंस का इसमें देना है कि ऑर्डिनेंस ला सकते हैं 6 वीक्स के लिए, ठीक है, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव जो है वो उसमें नहीं है, सेशन में नहीं है। 10th पॉइंट है ये अपनी रिपोर्ट्स जो होती हैं वो देते हैं ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट। ये सब किसके आगे रखते हैं, ये स्टेट लेजिस्लेचर के आगे, मतलब गवर्नर जो है वो ये सारी जो रिपोर्ट्स होती हैं आपकी स्टेट फाइनेंस कमीशन वाली, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वाली, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल वाली, ये सब स्टेट लेजिस्लेचर के आगे रखते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल पावर देख लेते हैं गवर्नर्स की, तो ये भी इनमें भी वही है कि पहला ये देख सकते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि स्टेट बजट का होता है, जो कि इनको रखना होता है स्टेट लेजिस्लेटर के आगे, तो इसको ये मतलब चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा है मनी बिल्स को ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, मनी बिल्स को ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं द स्टेट लेजिस्लेटर ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन, मतलब इनको पहले रिकमेंडेशन लेनी होगी फिर ही ये स्टेट लेजिस्लेटर के आगे मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन, मतलब अगर इनकी रिकमेंडेशन होगी तभी ही जो है ग्रांट की डिमांड की जा सकती है, अदरवाइज इनकी ग्रांट की डिमांड नहीं की जा सकती। उसके बाद ही कैन मेक द एडवांसेस आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट टू मीट एनी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, अगर मान लीजिए कोई आपदा वगैरह आ गई और कंटीजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ गई रिलीज करने के लिए फॉर द स्टेट, तो इनकी परमिशन से वो भी ये कर सकते हैं, मतलब अगर इनकी परमिशन है कंटीजेंसी फंड को यूज़ करने के लिए तो ये भी इनकी परमिशन से हो सकता है। फिफ्थ है ही कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत एंड द म्यूनिसिपैलिटीज, तो ये फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 5 ईयर्स के बाद हर बार, ताकि ये रिव्यू कर सके फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है किसकी, पंचायत एंड द म्यूनिसिपैलिटीज की, तो ये सारी फाइनेंशियल पोजीशंस में आ जाता है इनका। अब जुडिशियल पावर देख लेते हैं, तो इनमें भी इनको मतलब कि ये ग्रांट कर सकते हैं पार्डन, रिवाइव, रिस्पाइट, रिमिशन ऑफ द पनिशमेंट और सस्पेंड और रिमिट, और या फिर आप कम्यूट द सेंटेंस ऑफ पर्सन भी बोल सकते हैं अगर किसी ने कोई लॉ के अगेंस्ट में ऑफेंस किया है रिलेटिंग टू द मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स। तो ये आपको सारे याद रखने हैं कि पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट की भी होती है पावर, रिमिशन ऑफ द पनिशमेंट कर सकते हैं, रिमिट और कम्यूट कर सकते हैं, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकंड है कि ये कंसर्ट करेंगे विद द प्रेसिडेंट, मतलब कंसल्टेशन लेंगे किसकी, प्रेसिडेंट की, वाइल अपॉइंटिंग द जज ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। स्टेट हाई कोर्ट के अगर किसी जज को इन्होंने अपॉइंट करना है तो ये प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन के साथ ही उसको करेंगे अपॉइंट, ठीक है। थर्ड है ये अपॉइंटमेंट कर सकते हैं किस अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, पोस्टिंग्स एंड प्रमोशन कर सकते हैं किसके, डिस्ट्रिक्ट जजेस की, ये भी किसके साथ कंसल्ट करके, स्टेट हाई कोर्ट के मेंबर्स के साथ कंसल्ट करके डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं, उनकी प्रमोशन कर सकते हैं, उनकी पोस्टिंग को चेंज कर सकते हैं। फोर्थ है ये अपॉइंट कर सकते हैं पर्सन को टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ द अदर स्टेट अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज इन द कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट प्लस
स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अगर जुडिशियल सर्विस के पर्संस को अपॉइंट करने की बात आएगी ना, तो वहाँ पे ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वाले भी जो है मेंबर्स इनके साथ जुड़ेंगे, ये चीज़ का आपका ध्यान रखना है। यहाँ पे नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, जब डिस्ट्रिक्ट जज के जज को अपॉइंट करना होगा तब नहीं जुड़ेंगे, जब जुडिशियल सर्विसेज के पर्संस को अपॉइंट करने की बात आती है तब जो है कंसल्टेशन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को एड ऑन किया जाता है। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद तीन और इम्पॉर्टेंट पावर्स होती हैं इसकी गवर्नर की, एक होती है वीटो पावर, एक होती है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो कि हमने देखी थी, और एक होती है पार्डनिंग पावर जो कि कंपेयर की जाती है विद द प्रेसिडेंट, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो आप काफ़ी बहुत बड़े जो है वो टेबल्स बने हुए हैं बुक के अंदर लक्ष्मीकांत में, आप उसको चेकआउट कीजिएगा। उसमें सिर्फ कंपैरिजन बताया गया है, मतलब पढ़ा तो मैंने दिया आपको गवर्नर की क्या क्या पावर्स होती हैं, लेकिन उसमें जो है प्रेसिडेंट के साथ कंपेयर किया गया है कि उसकी कौन सी होती है एंड उसकी कौन सी होती है। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रोवाइड करता है कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टेट्स के अंदर एज वेल एज इन द सेंटर। तो उसके बाद जो गवर्नर है वो हैज बीन मेड ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है ये, ठीक है। एंड रियल एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द CM। तो रियल एग्जीक्यूटिव जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिनको कौन हेड करता है, CM हेड करता है, लेकिन जो गवर्नर होता है वो हमारा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। अदर वर्ड्स में अगर देखा जाए तो जो गवर्नर है उसके पास पावर्स जो होती हैं एंड फंक्शंस होती हैं जो कि हेल्प एंड एडवाइस का काम करती है, किसके लिए, ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनको CM जो है वो हेड कर रहा होता है, एक्सेप्ट द मैटर इन विच द रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन। उसके बाद अगर हम एस्टिमेट करें कि कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ऑफ द गवर्नर विद रेफरेंस टू द आर्टिकल नंबर आपका 154, 163 एंड 164, तो वो अब हम देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की वो वेस्टेड होती है गवर्नर के ऊपर एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किसके अंदर लिखा हुआ है, आर्टिकल 154 के अंदर, 163 आर्टिकल के अंदर ये है कि देयर शैल बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको जो है CM हेड कर रहा होता है, टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर, एंड गवर्नर को जो है वो हेल्प करते हैं एंड एडवाइस देते हैं टू एक्सरसाइज हिज पावर्स एक्सेप्ट सो फॉर एज ही इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज फंक्शंस इन हिज डिस्क्रिशन। तो ये आर्टिकल 163 में लिखा हुआ है। तो 164 में लिखा हुआ है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के लिए, एंड जो प्रोविजंस हैं वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के फाउंडेशन पर ही लागू होंगे। उसके बाद ये जो हमें अब तीन चार ये पढ़े हैं आर्टिकल्स पढ़े हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि जो ये है इट इज़ क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है जो गवर्नर की वो डिफर करती है प्रेसिडेंट से टू एक्सेप्ट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नर की पोजीशन प्रेसिडेंट की पोजीशन से कैसे डिफर करती है। अब हम वो देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देख रहे हैं हम। तो पहला है जब कॉन्स्टिट्यूशन एनविसाज करता है पॉसिबिलिटी ऑफ द गवर्नर एक्टिंग एट द टाइम इन हिज डिस्क्रिशन, नो सच पॉसिबिलिटी हैज़ बीन एनविसाज्ड फॉर द प्रेसिडेंट। मतलब जो पॉसिबिलिटीज कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर को दे रखी हैं इसके डिस्क्रिशन के लिए वो प्रेसिडेंट को नहीं दे रखी। दूसरा है आफ्टर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि आपका 1976 में आया था, मिनिस्ट्रियल एडवाइस हैज़ बीन मेड बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट के ऊपर जो है ना मिनिस्ट्रियल एडवाइस जो है वो बाइंडिंग है, ठीक है, लेकिन गवर्नर के ऊपर ऐसी कोई मिनिस्टर जो है बाइंडिंग वाली बात वो नहीं दी गई,
ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने ये क्लियर किया है, इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर द मैटर फॉल विद इन द गवर्नर डिस्क्रिशन और नॉट, द डिसीजन ऑफ द गवर्नर इज फाइनल। अगर ये पूछा जाए कि ये कोई डिस्क्रिशन है गवर्नर के लिए, मतलब है या नहीं है, तो जो डिसीजन फाइनल होगा वो गवर्नर का ही माना जाएगा, ठीक है। एंड द वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग डन बाय हिम कैन नॉट बी क्वेश्चन्ड ऑन द ग्राउंड दैट ही ऑट और नॉट टू बी एक्टेड इन हिज डिस्क्रिशन, मतलब कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा उसके लिए। तो जो गवर्नर है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, तो यहाँ पे हमने देखा था प्रेजिडेंट के पास जो कि नहीं था। उसके बाद इसमें जो प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन है इसके वो देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं उस डिस्क्रिशन के अंदर जो गवर्नर जो है वो यूज़ कर सकता है। पहला है कि रिजर्वेशन ऑफ द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कि हमने पढ़ा था ना कि बिल को रिजर्व करके रख सकता है, ये पांच कंडीशन हमने देखी थी, ठीक है। तो ये पावर इसको दी गई है गवर्नर को कि ये रिजर्व करके रख सकता है बिल ताकि प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन ली जा सके, पहला ये। दूसरा कि रिकमेंडेशन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, तो ये रिकमेंडेशन कर सकता है ताकि प्रेसिडेंट रूल हम लगा सके या नहीं लगा सके इन द स्टेट। थर्ड है व्हाइल एक्सरसाइजिंग हिज फंक्शंस एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग द यूनियन टेरिटरी, अगर इसने कोई मतलब एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका निभानी है किसी यूटी साथ, कोई यूटी लगती है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका निभानी है, तो उसकी भी फंक्शनिंग में ये अपनी एक्सरसाइज कर सकता है पावर्स को, ठीक है। तो ये इसका मतलब एडिशनल चार्ज अगर इसको मिला होगा तो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ द पेएबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम टू द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एज द रॉयल्टी एक्यूरिंग फ्रॉम द लाइसेंसेस फॉर द मिनरल एक्सप्लोरेशन। तो अगर मान लीजिए आपको पता है ये वाले जो है सेंसिटिव जोन नॉर्थ ईस्ट वाला है जहाँ पे माइनिंग एक्सप्लोरेशंस होती हैं, तो उसके लिए अगर लाइसेंसेस वगैरह प्रोवाइड कराने हैं तो ये इजीली उनमें करा सकते हैं, मतलब इनकी परमिशन की ज़रूरत है। फिफ्थ जो है सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सीएम से अगर कोई इंफॉर्मेशन लेनी है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर, तो ये सीख कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन। इन एडिशन टू दिस कुछ और भी इनके पास है पावर्स, वो देख लेते हैं कौन कौन से, कि ये अपॉइंट कर सकते हैं सीएम को व्हेन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर कट मेजोरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव, तो ये अपनी मर्जी से कोई भी मेंबर को चुन के सीएम जो है वो बना सकते हैं। व्हेन द सीएम इज इन द ऑफिस डाई सडनली एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर, अगर किसी सीएम की मृत्यु हो जाती है और कोई भी सक्सेसर नहीं है एंड कोई भी क्लियर कट मेजोरिटी से नहीं बन रहा, तो ये अपॉइंट कर सकते हैं सीएम को अपनी मर्जी से ही, तो ये भी इनकी पावर है। दूसरा है डिसमिस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो प्रूफ हो जाए, ठीक है। तीसरा है कि डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट इट्स मेजोरिटी, वही अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मेजोरिटी ही नहीं, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है अगर वो ला दिया गया, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही वहाँ से हटके मेजोरिटी ही प्रूव नहीं कर पाए, तो डिसोल्यूशन हो जाएगी किसकी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भंग हो जाएगी। उसके बाद गवर्नर के पास कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं डिस्चार्ज करने की, उसको पावर अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन जो कि इशूड की जाती है टाइम बाय टाइम बाय द प्रेसिडेंट, और जो गवर्नर है वो फिर कंसर्न करता है किसके साथ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ लेड बाय द सीएम, जो कि फिर फाइनली डिस्क्रिशन अपनी सुनाता है। तो कुछ उसमें से हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला जैसे महाराष्ट्र के अंदर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेपरेट डिवेलपमेंट बोर्ड ऑफ द विदर्भ एंड द मराठवाड़ा, ठीक है। दूसरा है गुजरात के अंदर जब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स की थी स्वराष्ट्र एंड कच्छ के लिए। तीसरा नागालैंड विद रिस्पेक्ट टू द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट फॉर सो लॉन्ग इन द इंटरनल डिस्टर्बेंसेज ऑफ द नागा हिल्स एंड द स्वांग एरिया कॉन्टिन्यूस, ठीक है। उसके बाद फोर है असम वाले रीजन के अंदर जब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज की बात आती है। फिफ्थ है मणिपुर के रिगार्डिंग
जो कि उनका हिली एरियाज है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है। सिक्स्थ है सिक्किम वाला एरिया, जब हमें पीस बनानी होती है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ एंड डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को साथ लेके चलना है। सेवन्थ है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है। उसके बाद एट्थ में कर्नाटका की बात, जब एस्टेब्लिशमेंट करनी है ऑफ द सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ द हैदराबाद कर्नाटक रीजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर को ड्यूल रोल्स भी दिए हुए हैं इन द इंडियन फेडरल सिस्टम। तो ये जो है गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर, जो कि प्रेजिडेंट है। तो सेंटर के साथ भी इसको मिलकर काम करना है, तो इसके ड्यूल रोल एक तरह से बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर हमारा गवर्नर वाला फिनिश होता है। थैंक यू।